मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद भी राजधानी भोपाल में हुक्केबार की आड़ में नशे का कारोबार बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। केरवा डैम पर नेचर कॉटेज हाउस नंबर 230, कंट्री साइड मिडास, मोकाची कैफे सहित दर्जनों रेस्टोरों में खुलेआम नौजवानों को हुक्के के नशे का आदि बनाया जा रहा है। हुक्के में तरह तरह के नशीले पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं। नशे की लत और एडवेंचर के चलते बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। युवा एक बार इसके नशे में फंसते हैं तो इसके गुलाम होकर रह जाते हैं। EMS टीवी के स्टिंग में कैमरे के सामने इसका खुलासा हुआ है। युवाओं में इन दिनों लग्जरी लाइफ जीने का ऐसा सुरूर छाया हुआ है कि वे बिना परवाह किए बड़े बड़े होटलों, क्लबों सहित ऐसी कई जगहों पर नजर आ रहे हैं जहां उन्हें अय्याशी करने के साधन उपलब्ध हों। होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी इन युवाओं को लुभाने के लिए हर वैध और अवैध वस्तुओं को इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के हुक्का फ्लेवर के नाम पर वसूले जा रहे हैं। फ्लेवर के नाम पर तरह तरह के नशीले पदार्थों का आदि युवाओं को बनाने का काम राजधानी भोपाल में जिस तरह से चल रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उड़ता पंजाब नहीं अब उड़ता भोपाल है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भी होटल और रेस्टोरों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। सरकार की मंशा के विपरीत शहर में चारों तरफ अवैध तरीके से हुक्का बार चल रहे हैं। शिवराज के सख्त निर्देश के बाद हुक्के का कारोबार और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।